कि हिंदूकरण की जो नीति है आरएसएस की, वो ये कहती है कि आप माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं। ठीक है, अब यह प्रश्न ये है, मैंने कुछ समय पहले बोला था सोशल मीडिया पर, किसी पे बोला था कि रामलला सबके सामने बाबरी मस्जिद उस स्थल पर रखे गए, रामलला के मंदिर को, मंदिर नहीं उस जगह को ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया। तो जब सब ये जानते हैं कि रामलला रखे गए, वहाँ ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया, और इसी बात को लेकर के जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली राम रथ लेकर के, और उनका कहना था कि रामलला हम वहीं आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, उसका प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ एक प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से आज तक कोई ये भी सिद्ध नहीं कर सका ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कि रियल में वो राम जन्मभूमि है। अयोध्या जो है वह जो है मृणाल माता, जो बौद्ध धर्म के अंदर प्रसिद्ध जो है वो जो है वो श्रावस्ती नरेश की पत्नी थी, और वही का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष महायान का अयोध्या का ही रहने वाला था। श्रावस्ती नरेश ने जब नरसंहार की वो बात कही थी ब्राह्मणों ने, तो वहाँ पर जो है जानवरों की हत्या की जाती थी, तथागत बुद्ध एक भेड़ के बच्चे को लेकर गए और उन्होंने वहाँ कहा कि राजन नरसंहार करने से यद आदमी को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा ही मर्डर करें। तब राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य में किसी की हत्या नहीं होगी, और वो क्या बना, अयोध्या बना जहाँ कोई योद्धा नहीं हो, अवध बना जिसका मतलब है जहाँ किसी का वध नहीं हो। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राम की जन्मभूमि थाईलैंड में है, सारी दुनिया ये जानती है, लेकिन ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो पुष्पमित्र शुंग भिक्षुओं का कत्ल करने के बाद राजा बृहदत्त जो बौद्धों का अंतिम राजा था उसकी हत्या करने के बाद एड़ी चोटी का जोर ब्राह्मणों ने लगाया इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करने के लिए, फिर से ब्राह्मणी संस्कृति को थोपने के लिए, लेकिन 2500-3000 वर्ष होने के बावजूद भी पूर्ण रूपेण वो जो सफल नहीं हो सके। 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया, तमाम चीज़ दो ध्वस्त किया गया, और आज भी यानी पूरे देश का अगर सर्वे किया जाए तो जहाँ जहाँ बौद्धों के अवशेष है वहाँ वहाँ कोई न कोई हिंदू संस्कृति का, ब्राह्मणी संस्कृति का कोई न कोई प्रतीक मिलेगा। तब प्रश्न ये पैदा होता है, बौद्धों के अवशेष स्थल पर ये हिंदू प्रतीक कैसे पहुँचा? इसका मतलब ये है जानबूझकर उसको स्थापित किया गया और इसको विवाद का एक केंद्र बनाया गया। और वो हक ये है कि जिन अदालतों के जजों ने ये कहा था कि यहाँ फैसले भावनाओं पर नहीं दस्तावेजों के आधार पर होता है, और वही वो फैसला भावनाओं के आधार पर हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये उनके उच्चतम अदालत के जजों का फैसला है, उनका सोच है, उनका विचार है, किस दृष्टि से, किस कानून की दृष्टि से उन्होंने फैसला किया, ये वही लोग इसकी सही बात कह सकते हैं, मैं तो इस संबंध में कुछ जानता नहीं। लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि में जितने भी अब अवशेष निकल रहे हैं वह सारे के सारे बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं। तब मेरा प्रश्न ये है कि राम की जन्मभूमि में राम के अवशेष क्यों नहीं, और जब राम के अवशेष नहीं हैं तो उसको बौद्ध नगरी मानने से इस देश को क्या ऐतराज है? बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, मैंने तुमको बुद्ध दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह प्रधानमंत्री इस भारत की बुद्ध भूमि को राम जन्मभूमि किस आधार पर बनाना चाहता है, या राम का मंदिर किस आधार पर बनाना चाहता है? ये एक प्रश्नी विचारणी प्रश्न है। ये पूरे देश में लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गिरजा बंद है, गुरुद्वारे बंद है, सब जगह ताला लगा हुआ है, यानी भगवान के मंदिर में भी ताला लगा है, और हमारे देश के 33 करोड़ देवता, इस सृष्टि का मालिक भगवान स्वयंभू जो है चुप है, मौन है। तो मैं समझता हूँ कोरोना वायरस से कहीं वो भी भयभीत तो नहीं है, अगर वो भयभीत है तो मैं कैसे उसको मानूँ कि वो भगवान है? बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस भारत की धरती पर
हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, उनके बाप भी, उनके बाप के फरिश्ते भी इस देश की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से जब एग्रीमेंट हुआ, तब डेमोक्रेसी के आधार पर यह देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र के आधार पर यह देश आज़ाद हुआ, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? क्या पुराणों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं गीता में कहीं हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है? किसी भी एक जगह कोई भी इस देश का मनीषी, ब्राह्मण, इस देश का नेता, इस देश का कोई भी उच्च कोट का आचार्य, शंकराचार्य ये बताए हिंदू शब्द आया कहाँ से? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू? व्हाट इज द डिफरेंस? यानी हिंदू से अदर कम्युनिटीज जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ये सीधा सीधा नहीं बदल सकते, क्योंकि उस समय इनके पास कोई अम्बेडकर नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता। इस समय भी इनके पास कोई ऐसा मनीषी नहीं है जो संविधान को बदल दे। इसलिए ये राम मंदिर जो है, ये राम मंदिर के माध्यम से हिंदू गणराज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए जब 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पर आ सकती है तो इनके फरिश्तों को भी सड़क पर भीख मांगने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सूफी, यानी हजरत आदम नबी से नीचे जमी के चल बसे थे, नूह किस्ती बाद बल्ला यार वो भी चल बसे, जिनका जमी पे था लश्करों फौजों सिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे, आज हम उनके चलने का करते हैं भैया, लोग कलम से कहेंगे यार वो भी चल बसे।